हेलो दोस्तों, इस वीडियो का टॉपिक है पब्लिक कॉर्पोरेशन। इस वीडियो में हम बात करेंगे पब्लिक कॉर्पोरेशन के मीनिंग, फीचर्स, मेरिट्स और लिमिटेशंस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पब्लिक कॉर्पोरेशन के मीनिंग के बारे में। मीनिंग ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन। पब्लिक कॉर्पोरेशन वे पब्लिक एंटरप्राइजेज हैं जिन्हें पार्लियामेंट के स्पेशल एक्ट के द्वारा एग्जिस्टेंस में लाया जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो पब्लिक कॉर्पोरेशन वे ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जिन्हें एग्जिस्टेंस में लाने के लिए पार्लियामेंट में बिल पेश किया जाता है और इस बिल के पास होने पर यह बिल एक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके बाद पब्लिक कॉर्पोरेशन एग्जिस्टेंस में आती हैं। क्योंकि ये कॉर्पोरेशन स्पेशल एक्ट की वजह से एग्जिस्टेंस में आई हैं, इसीलिए इन ऑर्गेनाइजेशन की सभी पावर्स और फंक्शन इस एक्ट में डिफाइन होते हैं। इसके अलावा इन ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले एम्प्लॉयज को क्या रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने हैं और इन ऑर्गेनाइजेशंस का बाकी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के साथ क्या रिलेशनशिप होगा, ये सब भी इस एक्ट में क्लियरली मेंशन होता है। पब्लिक कॉर्पोरेशन को हम स्टेट्यूटरी कॉर्पोरेशन के नाम से भी जानते हैं। अगर हम बात करें पब्लिक कॉर्पोरेशन के एग्जांपल्स की तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, एयर इंडिया, ये सभी पब्लिक कॉर्पोरेशन के एग्जांपल हैं। पब्लिक कॉर्पोरेशन के मीनिंग के बाद अब हम बात करेंगे पब्लिक कॉर्पोरेशन के फीचर्स की। फॉर्मेशन। पब्लिक कॉर्पोरेशन का फॉर्मेशन पार्लियामेंट के स्पेशल एक्ट के थ्रू होता है। ओनरशिप। पब्लिक कॉर्पोरेशन की ओनरशिप गवर्नमेंट के अंडर होती है। मैनेजमेंट। पब्लिक कॉर्पोरेशन का मैनेजमेंट गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेटेड डायरेक्टर्स के द्वारा मैनेज किया जाता है। फाइनेंसिंग। इन ऑर्गेनाइजेशन की कंप्लीट फाइनेंसिंग गवर्नमेंट की तरफ से होती है। इसके अलावा इन ऑर्गेनाइजेशन के पास पब्लिक से भी फंड रेज करने का ऑप्शन होता है। रिक्रूटमेंट। पब्लिक कॉर्पोरेशन के रिक्रूटमेंट से रिलेटेड अपने खुद के रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, जिन्हें फॉलो करके ये ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज का सिलेक्शन करती हैं। पब्लिक कॉर्पोरेशन में काम करने वाले एम्प्लॉयज गवर्नमेंट एम्प्लॉयज नहीं होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में जो एम्प्लॉयज काम करते हैं वे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं, बट पब्लिक कॉर्पोरेशन में जो एम्प्लॉयज काम करते हैं वे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज नहीं होते हैं। सेपरेट लीगल एंटिटी। पब्लिक कॉर्पोरेशन की सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, यानी ये ऑर्गेनाइजेशन अपने खुद के नाम पर प्रॉपर्टी खरीद सकती हैं, किसी दूसरे पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती हैं और कोई भी दूसरा पर्सन इन पर कोर्ट केस कर सकता है और ये ऑर्गेनाइजेशन भी किसी दूसरे पर्सन पर कोर्ट केस कर सकती है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी। इन एंटरप्राइजेस के पास एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी होती है, यानी इन ऑर्गेनाइजेशन में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होता है और जो भी पावर इन ऑर्गेनाइजेशन को एक्ट में दी गई हैं, उनका यूज करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल फ्री हैं। पब्लिक कॉर्पोरेशन के फीचर्स के बाद अब हम बात करेंगे पब्लिक कॉर्पोरेशन के मेरिट्स की। ऑटोनॉमी इन ऑपरेशन। इन ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग में किसी तरह का पॉलिटिकल इंटरफेयर नहीं होता है, जिसका एडवांटेज ये होता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन अपनी सभी एक्टिविटीज इंडिपेंडेंटली परफॉर्म कर सकती हैं। क्विक डिसीजन। ये ऑर्गेनाइजेशन क्विक डिसीजन ले सकती हैं, क्योंकि इन ऑर्गेनाइजेशन को किसी तरह की भी अननेसेसरी फॉर्मेलिटीज को पूरा करने की जरूरत नहीं होती है। दूसरे शब्दों में कहें तो इन ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी फाइल सिर्फ एक टेबल से दूसरे टेबल तक सिर्फ घूमती नहीं रहती है, यानी इन ऑर्गेनाइजेशन में रेड टेपिज्म नहीं होता है। वैल्यूएबल इंस्ट्रूमेंट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। पब्लिक कॉर्पोरेशन के पास गवर्नमेंट की पावर और प्राइवेट एंटरप्राइजेस की तरह काम करने की फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जो कि एक कमाल का कॉम्बिनेशन है, जिसका सही यूज करके ये ऑर्गेनाइजेशन देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में काफी हेल्पफुल साबित हो सकती है। सोशल सर्विस मोटिव। इन ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव पब्लिक को सर्विस प्रोवाइड कराना होता है। प्रॉफिट अर्निंग इन ऑर्गेनाइजेशन का सेकेंडरी मोटिव होता है, यानी ये ऑर्गेनाइजेशन बिना किसी प्रॉफिट के या फिर बहुत ही लिमिटेड प्रॉफिट के साथ पब्लिक को सर्विस प्रोवाइड करती हैं। प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। ये ऑर्गेनाइजेशन अपनी एक्टिविटीज के लिए पार्लियामेंट में आंसरेबल होती हैं, जिसका एडवांटेज ये होता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक के पैसों को प्रॉपरली यूटिलाइज करती है, ताकि इन ऑर्गेनाइजेशन पर किसी तरह की क्वेश्चनिंग ना हो।
जिसका रिजल्ट यह होता है कि जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट सेफ और सिक्योर हो जाते हैं। पब्लिक कॉरपोरेशन के मेरिट्स के बाद अब हम बात करेंगे पब्लिक कॉरपोरेशन के लिमिटेशंस के बारे में। इनकम्प्लीट ऑपरेशनल ऑटोनॉमी, यानी जो हमने बात की कि इन ऑर्गेनाइजेशन के पास एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी होती है, वो सिर्फ थ्योरेटिकल बात है। रियलिटी में इन एंटरप्राइजेस की हर एक्टिविटी में गवर्नमेंट का इंटरफेयर होता है और साथ ही साथ ये ऑर्गेनाइजेशन कोई भी डिसीजन फ्रीली नहीं ले पाती है। करप्शन, इन ऑर्गेनाइजेशन में करप्शन भी देखने को मिलता है। जहां भी पब्लिक से डीलिंग की बात आती है, वहां बड़े स्केल पर इन ऑर्गेनाइजेशन में करप्शन पाया जाता है। इग्नोरिंग सर्विस मोटिव, इन एंटरप्राइजेज में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जो मेंबर्स होते हैं, वे मेंबर्स पब्लिक कॉरपोरेशन की पावर्स को सोशल वेलफेयर से ज्यादा अपने वेलफेयर के लिए यूज करते हैं, जिसकी वजह से पब्लिक कॉरपोरेशन का सर्विस मोटिव केवल दिखावा बनकर रह जाता है। तो ये थे दोस्तों पब्लिक कॉरपोरेशन के मीनिंग, फीचर्स, मेरिट्स और लिमिटेशंस। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।